सही बिल्कुल वीडियो पे क्लिक किया है, अगर आपका भी क्रेडिट स्कोर कम है तो आप कैसे बढ़ा सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमारा सिविल स्कोर कम हो जाता है, तो आपके पास सिविल स्कोर का होना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होता है, अगर कई बार हमें होम लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन या कोई भी लोन आप करवाते हैं तो सबसे पहले बैंक आपका क्या चेक करती है, क्रेडिट स्कोर आपका कितना है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 700 माइनस है तब तो आपको लोन नहीं मिलेगा, अगर 700 प्लस है तो आपको लोन मिलने के चांस हो सकते हैं। और कैसे, अगर आपका सिविल स्कोर डाउन हो चुका है तो कैसे बढ़ाना है, चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस के साथ बताने वाला हूं। सो गाइस, वीडियो पर बने रहें ताकि जो जानकारी आपको पूरी मिल सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मैं हूं मुकेश, आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल टेक्निकल वर्ल्ड एमजे चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमारा सिविल स्कोर जो है डाउन हो जाता है। अब मान के चलिए हमने कोई इंस्टॉलमेंट पे कोई सामान लिया है, उसको टाइमली पे नहीं कर पाए या किसी कारणवश इमरजेंसी में पैसे नहीं दे पाए या कोई प्रॉब्लम आ जाती है कई बार, तो हम उसे पे नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते हमारा सिविल स्कोर जो है डाउन हो जाता है। तो आप इसको कैसे आप बढ़ा सकते हैं, अगर आपने चाहे क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, चाहे होम लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है, एजुकेशन लोन लिया है, कोई भी कार लोन लिया है, चाहे कोई भी आपने लोन लिया है और आप उसको रेगुलर फील करते रहेंगे, मतलब रेगुलर देते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो इससे क्या होगा, आपका सिविल स्कोर जो है मेंटेन रहेगा। अगर आपका सिविल स्कोर डाउन हो चुका है और अभी आपका लोन जो है चल रहा है तो आपको करना क्या है, उसे टाइमली पे करने की कोशिश करें, जिससे आपका जो सिविल स्कोर है हाईएस्ट ऊपर हो सके। ये मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ, मेरा भी ऐसे ही हो चुका था। तो धीरे धीरे वो क्या होता है, आप अपना जो कोई भी लोन कराते हैं उसको टाइमली देते रहेंगे, इससे जो है आपका सिविल स्कोर ऊपर होता जाएगा, मतलब कि बढ़ता ही चला जाएगा। और अपने अकाउंट में, जिस अकाउंट जो भी पैन कार्ड के साथ लिंक है उसके साथ बैंक में लेन देन करते रहें, जिससे क्या होगा, आपका जो क्रेडिट स्कोर है बना रहेगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो चुका है तो ये तरीके आपको अपनाने हैं। और कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऐसे ही ये ट्रिक अपनाकर कर सकते हैं। और जो भी आपकी पेंडिंग में पेमेंट पड़ी है और उसे आपने क्लियर नहीं की है तो उसे क्लियर कर लें, ताकि जो आपका सिविल स्कोर है मेंटेन रहे और आपको भविष्य में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर हमें कमेंट करके बताएं। अगर कुछ पूछना चाहते हैं सिविल स्कोर से रिलेटेड या सिविल स्कोर बढ़ाने से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।